सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दर्द जो साइड में देख सकते हैं, ये एक मनुष्य और पक्षी की दोस्ती का मिसाल बन चुका है। आजकल सोशल मीडिया में ये खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। चलिए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरिफ नाम की एक व्यक्ति, जो कि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो अपने जब जाते हैं खेत तो वहाँ देखते हैं एक सारस घायल हुआ जाता है उनके पास, तो देखता है एक पैर उनका फ्रैक्चर हुआ था और पैर के कारण वो चल नहीं पा रहा था। तो आरिफ क्या किया, उनको लेते आया अपने घर, और घर में इलाज करने के बाद, दवाई देने के बाद, दो तीन हफ्तों के बाद वो ठीक हुए। उसके बाद आरिफ फिर वापस से उनको जंगल में छोड़ आए, लेकिन सारस पक्षी जो है आरिफ के पीछे पीछे उन्हीं के साथ उनके घर चले आए, और वो आरिफ से बिल्कुल भी दूर रहने के लिए नहीं चाहते थे। उसके बाद धीरे धीरे आरिफ और सारस की दोस्ती बढ़ती गई, एक ही साथ में खाना पीना, नहाना, एक ही साथ में सूतना बैठना, कहीं भी जाते थे आरिफ, इधर देख सकते हैं, उनके साथ में जाना, बाइक के पीछे पीछे जाना और कहीं भी जाना, इतना गहरा दोस्ती था। ताकि देख सकते हैं इधर बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव भी उनसे मिलने के लिए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही उनका वीडियो वायरल होता गया, तो आए वन विभाग वाले को पता चल गया, और वो आए जबरदस्ती आरिफ से उनके दोस्त सारस को छीन लिया गया। और हाँ, ये कानून है कि किसी भी जंगली पक्षी को नहीं बंदी बनाकर रख सकते हैं, कैद करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन आरिफ जो है किसी को कैद करके नहीं रखा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि आरिफ को उनका दोस्त सारस मिल जाए। और आरिफ के बिना सारस भी अधूरा है, उनका दोस्त भी नहीं खाता पीता, नहीं कुछ है, ना ही आरिफ का मन लगता है। सारस भी एक चले गया था, एक बार जो ले गया वन विभाग वाले, सारस वहाँ से उड़ के भाग गए, कुछ दूसरे लड़के के पास चले गए। उनका लड़का जो है फिर से उसको लेके गया, कुत्ते से बचाया, उसके बाद घर लेके गया, फिर वन विभाग वाले लेके चले गए। तो इधर देख सकते हैं वीडियो, छोटा सा क्लिप आरिफ भाई का, खुद देख लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो मेरा दोस्त था सारस, उसको वन विभाग की टीम एकाएक आती है और लेकर चली जाती है समस्तपुर पक्षी विहार, और पीछे पीछे हम भी जाते हैं उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। फिर थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से हमको वापस कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि 20-25 दिन आप यहाँ दिखाई मत पड़ना, क्योंकि आप इससे मिल नहीं सकते अब। फिर एक दिन अचानक पक्षी वहाँ से उड़ के पास वाले गाँव में जाता है, और जहाँ कुछ जंगली कुत्ते उसको और कुछ जंगली जानवर उसके ऊपर हमला बोल देते हैं, जहाँ एक लड़का अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाता है और फिर अपने घर ले जाता है, और घर ले जाने के बाद फिर उसको दाल चावल सब्जी रोटी यही खिलाता है। तब तक पूरे गांव में मतलब हल्ला हो जाता है कि आरिफ वाला दोस्त यहाँ पे आ गया है। फिर गांव में से एक आदमी किसी वन विभाग की टीम को सूचना दे देता है, जो समस्तपुर पक्षी विहार सलवन में है। सूचना देने के बाद फिर टीम आती है वहाँ की, उसको दोबारा ले जाके वहाँ पे बंधक बना दिया जाता है, किचन में बंधक बना के लगभग उसको 48 घंटे तक वहाँ रखा जाता है। जब पक्षी कुछ खाता नहीं, सिर्फ पानी पी रहा था, तो वन विभाग के हाथ पाँव फिर से फूलने लगते हैं। उसके बाद उसके लिए और कोई दूसरी व्यवस्था के करने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक लखनऊ की चिड़ियाघर की गाड़ी जाती है, और उसमें कैद करके, उस लखनऊ चिड़ियाघर की गाड़ी थी, पर उसको कानपुर चिड़ियाघर में ले जाकर कैद कर दिया जाता है, जहां वो एक पिंजरे में बंद है, बहुत ही परेशान है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, कैसे खड़ा था, मुँह खोले हुए हाँफ रहा था, इधर उधर हमको ही ढूंढा करता है, और वहाँ पे उसका भोजन नहीं मिल पा रहा, दाल चावल सब्जी रोटी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। और आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमको वापस मिल जाए।
सो दोस्तों आप लोगों से बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आरिफ का दोस्त सारस को बहुत ज़्यादा आरिफ के पास लौटा दिया जाए। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।